कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ेगी अगर ड्रीम बड़ा है तो। ऐसा कोई धंधा नहीं करना जिसमें ग्रोथ नहीं हो सके। उनका डीमोटिवेशन आपकी जील को बढ़ाना चाहिए। कस्टमर तू लाइन में खड़ा रहे, अभी 5 मिनट लगेगा। और फिर 1 बज गया, सब लंच ब्रेक, सर्वर डाउन है सब। अरे सर्वर डाउन है तो कस्टमर से बात तो करो। मैं क्या करूं सर, थोड़ी देर के लिए सर्वर डाउन है तो मुझे लगा आपसे बातचीत कर लूं। आपकी क्या समस्या है? आपको मैंने 3-4 बार इधर देख लिया, आप बार बार आते हैं, क्या दिक्कत क्या है राइट? ऐसा आपको बार बार वहां पूछना है, लेकिन ऐसा एक आदमी सरकारी ऑफिस में अपने को दिखता नहीं है। और हम कहते हैं सरकारी नौकरी में जाओ, पंगू बनो और जिंदगी अपनी बर्बाद करो। हाँ, ऑफिसर बनो आप, आई एम ओके विद दैट, क्योंकि ऑफिसर बनने में ब्रेन लगता है। ऑफिसर बन के 100 लोगों को मैनेज करने में, 1000 लोगों को मैनेज करने में ब्रेन लगता है। ऑफिसर को फंड मिलता है, उस फंड को मैनेज करने में ब्रेन लगता है। ऑफिसर मिनिस्टर्स के साथ बात करता है, उनके साथ उठता बैठता है, उसकी प्रॉक्सिमिटी में ही दम होता है, उसकी पावर होती है उसकी। ऑफिसर बने आप सरकारी नौकरी में, और अगर अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि आप ऑफिसर बन पाएंगे तो एक भी फार्म ना भरे। मैंने जिंदगी में एक भी फार्म नहीं बना क्योंकि मेरे को पता था मेरे अंदर पावर नहीं है ऑफिसर रैंक तक जाने का। उस समय लगता था, अब तो मैं कहता हूं कि जो चीज डिसाइड कर लूं वो कर दूंगा मैं, चाहे किसी भी लेवल पे हो। उस समय नहीं था, उस समय कभी मोटिवेशन ही नहीं मिला। उस समय डर लगता था मेरे को, और मेरे को नहीं लगता था कि मैं किसी सरकारी नौकरी में 2-5 लाख लोगों के साथ कंपटीशन में तैयारी करूं और उसके बाद फिर उस ऑफिस में जाऊं। कभी नहीं जिंदगी में, कभी नहीं, सोचना ही नहीं है। धंधा करना है, ऐसा कोई धंधा नहीं करना जिसमें ग्रोथ नहीं हो सके। लोग कहते हैं नहीं धंधा करूंगा ग्रोथ होगी, एक दुकान डालूंगा, फिर उस दुकान में सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक बैठूंगा, फिर और जितने भी कस्टमर आएंगे उनको दाल दूंगा, चीनी दूंगा, पाव चावल दूंगा, और फिर उनके घर पे दूध पकड़ाने जाऊंगा, और फिर उनके घर पे दूध पकड़ाएंगे, फिर वो कहेंगे सब्जी भी दे दो, वो सब्जी भी देंगे, फिर वो कहेंगे उधार दे दो, उधार भी देंगे, फिर वो कहेंगे सर अगले महीने पैसा देता हूं, अभी तो आधा पैसा ले लो, फिर आधा भी लेंगे, उनकी पर्ची का हिसाब किताब भी। अरे ऐसा धंधा नहीं करना, उसकी जगह हमें आज धंधा करना है तो वही किराना स्टोर हम सुपर की तरह लगाएंगे, वहां पे एक मशीन बिठाएंगे, वहां पे एक कैमरा लगाएंगे, हर जगह पे बार कोडिंग करेंगे, और बार कोडिंग करने के बाद अपन दुकान पे और गल्ले पे नहीं बैठेंगे। ऑलराइट, लेकिन हम दुकान पे बैठते हैं, खुद ही गल्ले पे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि सर वो इंसान है ना, जो वो दूसरा वाला अपना जिसको गल्ले पे बिठाते हैं, सर वो चोरी कर लेगा तो? वो तो चोरी करेगा बेचारा 100-200 रुपए की, लेकिन वो 100-200 रुपए बचाने के लिए आप जिंदगी भर खुद गुलाम बन जाओगे उस गल्ले के। गुलाम मानसिकता का त्याग करना है आज, अभी, इसी वक्त। सर मेरा नाम विवेक धाकड़ है। सर मेरे अंदर पावर भी है, पोटेंशियल भी है, खुद पर विश्वास भी है और ताकत भी है, पर सर जहां तक मुझे लग रहा है कि मुझे वो मेहनत करनी चाहिए अभी इस समय, मुझे लगता है कि मैं उसका 1% भी नहीं कर रहा हूं, और मुझे गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। Correct. और मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना है अपने पोटेंशियल से। करेक्ट, ऑलराइट, वेरी नाइस। तो अब सवाल क्या है? सर सवाल यही है कि मैं ज्यादा मेहनत करना चाहता हूं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस जगह मेहनत करूं और कौन कौन सी चीजें करूं। इसी के लिए कहते हैं मेंटोरशिप। इसी के लिए बेटा कह रहा हूं, मेंटोरशिप के बिना काम नहीं होता, मेंटोरशिप चाहिए ही चाहिए। आज ये मोटिवेशन ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू, इससे जोश आएगा आपके अंदर, इस मोटिवेशनल ट्रेनिंग से आपके अंदर जोश आएगा, उबाल आएगा, जो कि कल 2 फेलियर आते ही ठंडा हो जाएगा। 2 दिन और आपके पास प्लान नहीं रहा तो 0 हो जाएगा। इसीलिए तो मेरे से कई लोग प्रैक्टिकली ये सवाल भी पूछते हैं, सर हम आपको आते हैं, सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन रहता है, लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद वो मोटिवेशन कहां चला जाता है हमें भी पता नहीं। इसी के लिए आपको चाहिए मेंटोरशिप बेटा, ओके? और मेंटोरशिप के लिए आपको पैसा भी देना पड़ेगा, और कम से कम 1 साल 2 साल 3 साल जुड़ने का कमिटमेंट भी देना पड़ेगा। 1 दिन में नहीं होगा, 1 महीने में भी नहीं होगा, 1 महीने में भी नहीं होगा, 1 महीने में आप थोड़ा सीख जाओगे, 3-4 महीने सीख जाओगे, 1 महीने में शुरुआत हो सकती है, 1 महीने में कोई बात नहीं। हम अभी पैसा नहीं है, 2 साल का 3 साल का नहीं कर सकते, 4 साल का नहीं कर सकते मेंटोरशिप, ओके कोई बात नहीं, हम 15 दिन का करेंगे, वहां से शुरू करेंगे। 15 दिन का किया, फिर 15-20 दिन 25 दिन 50 दिन उसको कंटिन्यू रखेंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर 15 दिन का लेंगे, और ऐसा अपने आप को टाइम दीजिए और एक कमिटमेंट बनाइए, यू नो कि इस डेट तक मुझे इतना इन्वेस्टमेंट मेरे ऊपर करना है। दोस्तों आज आपके सामने बोल रहा हूं, इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरे को मोटिवेशन बहुत है, इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैंने हर वो टैलेंट मेरी जिंदगी के लिए जो जरूरी है वो अपने अंदर डेवलप किया है, हर वो टैलेंट जो मेरी जिंदगी के लिए जरूरी है वो मैंने डेवलप किया है अपने अंदर।
मेरे को कौन कौन सी, मेरे फील्ड में मेरे को साइकोलॉजी का मास्टर होना चाहिए, मैंने साइकोलॉजी को डेवलप किया, मुझे एनएलपी का मास्टर होना चाहिए, मैंने एनएलपी को डेवलप किया, मुझे ट्रेनिंग देने के लिए सारी फिलॉसफी को जानना चाहिए, एडल्ट लर्निंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, सीईओ ट्रेनिंग कैसी होती है, सीईओ कैसे सोचते हैं, उनके सवालों का जवाब कैसे दिया जाता है, सवालों से ही ट्रेनिंग कैसे की जाती है, ये कौन सी ट्रेनिंग होती है उसको, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है, एलडीपी कैसे किया जाता है, लीडरशिप कैसे किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का इंटरवेंशन कैसे किया जाता है, उसका इवैल्यूएशन किया जाता कैसे जाता है, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस कैसे किया जाता है, कॉम्पिटेंसी मैपिंग कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें मैंने सीखी है पिछले 15 सालों में। और ये सारी चीजें सीखने के बाद कंपनी को प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है, सेल्स कैसे किया जाता है, स्पॉन्सरशिप कैसे ली जाती है, ये इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज करे जाते हैं, यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है, यूट्यूब चैनल के ग्रो कैसे किया जाता है, कौन से वीडियो बनाए जाते हैं, किस तरह से वीडियो बनाए जाते हैं, किस वीडियो को कितना लंबा बनाना चाहिए, और लोगों को एंगेज रखने के लिए क्या करना चाहिए, साइकोलॉजी कैसे रीड करनी है, इन्फ्लुएंस कैसे करना है, सेल कैसे करना है, उसमें भी हाई टिकट सेलिंग कैसे करना है, एंगेजमेंट कैसे करना है, कोचिंग कैसे करना है, लंबे टाइम तक कैसे अपने इंटरवेंशन को डिजाइन रखना है, टीम कैसे बिल्ड करनी है, टीम को कैसे एक्टिव रखना है, टीम को कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, टीम को कैसे पावरफुल बनाना है, एम्पावर करना है, अकाउंट कैसे मैनेज करना है, फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, फेसबुक ऐड कैसे लगाना है, कैसे आपको इंस्टाग्राम चलाना है, कैसे आपके इंस्टाग्राम में बहुत कुछ, ये सारी चीजों की साला मास्टरी की है। दोस्तों 1 करोड़ रुपए खर्च किया है पिछले 20 सालों में, 15 सालों में मैंने अपने ऊपर, तब जाके आपके सामने बोल पा रहा हूं 1 करोड़, और तब जाके 1 करोड़ महीना आ पा रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं ये जो टूल बॉक्स है ना, ये टूल बॉक्स, इसमें जितना डालोगे ये हजारों उसका मल्टीप्लीकेशन में रिटर्न देगा। शुरुआत 7,500 से की थी सिर्फ, क्योंकि शुरुआत सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग से की थी, लेकिन जब पब्लिक स्पीकिंग में आया तो समझ गया कि पब्लिक स्पीकिंग के साथ साथ अब और भी आना चाहिए, हॉल कैसे भरना वो आना चाहिए, मार्केटिंग कैसे करनी है वो आनी चाहिए, तब जाके असाइनमेंट कैसे लाना है वो आना चाहिए। जब ये सारी चीजें आई तब धीरे 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 एक एक करोड़ आता गया। पहले तो खुद की वेबसाइट खुद बनाई, खुद के कार्ड खुद डिजाइन किए, शुरू शुरू में तो फोटोशॉप चलाना सीखा, शुरू शुरू में कैनवा चलाना सीखा, पेम्पलेट का डिजाइन खुद करना सीखा, वर्ड में फाइल खुद बनाना सीखा, ईमेल सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं होते थे तो भी कैसे लोगों से कनेक्ट करें, लिखना नहीं आता था, कॉपी राइटिंग सीखा। कॉपीराइटिंग होता है ऐसी ईमेल लिखना जो कि ज्यादा से ज्यादा रिस्पांस दिला सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज कर सके, वो सीखा। ओके? तो आता नहीं था ये वेबिनार कैसे करना है, वेबिनार करने में मास्टरी की, वेबिनार से इंडिया में शायद उस समय जब वेबिनार शुरू हुए थे सबसे ज्यादा पैसा मैंने कमाया, सबसे ज्यादा लोगों को मैंने जोड़ा। और आपको मैं गारंटी देता हूं, वादा करता हूं, 12 जनवरी 2025 से लेके 12 जनवरी 2026 इस 1 साल के पीरियड को आपको बोल रहा हूँ 100 करोड़ रुपीज मेरे अकाउंट में आएगा इसी प्रोफेशन से, 100 करोड़। आई एम डिक्लेयरिंग माई एक्सपायरी डेट। आप कहोगे कैसे आएगा, मेरे पास प्लान है, मेरे पास उस प्लान का एग्जीक्यूशन है, मैं वो प्लान का एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ, उसके लिए मैं टीम बिल्ड कर रहा हूँ, उसके लिए मैं सीख रहा हूँ, उसके लिए और पढ़ रहा हूँ, 100 करोड़ के बिना छोड़ूंगा नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये मेरा कमिटमेंट है खुद से। और आपको बताने के लिए, आपको इंप्रेस करने के लिए ये बोल के कोई मतलब नहीं है, ये इसलिए क्योंकि मुझे चाहिए। और ट्रेनिंग से 100 करोड़ कमाने वाला का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से 500,000 करोड़ कमाने वाला, क्योंकि ट्रेनिंग इंडस्ट्री में दोस्तों 30-40% का प्रॉफिट होता है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कई बार 5%, 3%, 4%, 6% का प्रॉफिट होता है। सो इट्स अ ह्यूज गेम। अपनी खुद की पर्सनल ब्रांड जब 100 करोड़ की बनेगी तो ये समझ लीजिए हर रोज 1 करोड़ आएगा, हर रोज। उसके बाद से यहाँ पे शायद किसी दिन आप अमिताभ बच्चन को बैठा हुआ देखोगे, या यहाँ पे कभी अजय देवगन को बैठा हुआ देखोगे, उसके बाद से कोई ज़्यादा बड़ी चिंता नहीं रह जाएगी। और मैं अगर आपको ज़्यादा बड़ा बात कर रहा हूँ तो आप विवेक बिंद्रा साहब को देख लीजिए, उनके साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं सभी लोग। नहीं, अब धीरे धीरे हो रहा है सब। ये इंडस्ट्री हमारी ऐसी है, इतनी पावर है आपकी सेल्फ में, आपकी पोटेंशियल में, आपके अंदर। अच्छा, आपको आज सीखोगे आपको लगेगा इतनी चीज़ें सीखनी पड़ेगी तो मैं सीखूँ ही ना, लेकिन दोस्तों ये ग्रेजुअल होती है। जब आप 2-3 महीने पब्लिक स्पीकिंग सीखते हो फिर आपको लगता है हम पब्लिक स्पीकिंग में अब कंफर्टेबल हो गए, जब कार चलाना सीखते हो आप स्टीयरिंग संभालने में कंफर्टेबल हो गए, अब आप क्लच दबाने में कंफर्टेबल हो गए, अब आप एक्सीलेटर देने में कंफर्टेबल हो गए, अब आप गियर बदलने में कंफर्टेबल हो गए, इन चारों में कंफर्टेबल हो गए, उसके बाद आप कार चलाते चलाते रेडियो में गाने बजाने में भी कंफर्टेबल हो गए, फिर ये करते करते आप पीछे देखने में भी कंफर्टेबल हो गए, साइड में देखने में भी कंफर्टेबल हो गए, ये करते करते बातें चीतें करने में भी कंफर्टेबल हो गए, फिर थोड़ा और प्रैक्टिस हुई फोन लेने में भी कंफर्टेबल हो गए, फिर और थोड़ी प्रैक्टिस हुई तो शायद आप बड़ी कार चलाने में कंफर्टेबल हो गए, फिर ट्रैफिक में चलाने में हो गए, फिर हाईवे पे चलाने में हो गए। दोस्तों ये ग्रेजुअल है ग्रोथ, इट्स अ ग्रेजुअल ग्रोथ, पहले दिन में नहीं है, लेकिन शुरुआत पहले कदम से होती है। डज दैट मेक सेंस? मेंटोरशिप ये तेरा सॉल्यूशन है।
जो करना है उसको आज करना है, जो करना है उसको आज करना है। जिस दिन मेरे को डिसीजन हो गया कि यहां का सेमिनार करना है इंदौर का, उसी दिन पहले हॉल बुक करना है, फिर उसको भरने के लिए जितना पैसा लगे, जितना टाइम लगे, जितनी एनर्जी, फिर कंजूसी नहीं कर सकते हम लोग। सर, मुझे जो क्वेश्चन करना है दैट इज नॉट एग्जैक्टली अबाउट मी। सो दिस इज माई फ्रेंड अपराजिता एंड शी इज द पर्सन जिसके आसपास रहने वाले हर कोई इसके पास आते हैं सजेशन लेने। इंदौर के कई बड़े बिजनेसमैन हैं हु टेक एडवाइस फ्रॉम हर एंड इन एवरी 4-5 months शी इज सिटिंग विथ मी एंड आस्किंग मी, यार लोग इतना मुझ पर रिलाय करते हैं पर मुझे तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं है, मतलब कि मैं, मतलब बाकी लोगों को इस पर 100% कॉन्फिडेंस है बट ये फुल टाइम सेल्फ डाउट में ही रहती है एंड वी ऑल अराउंड हर वी जस्ट वांट टू बीट इट आउट ऑफ हर बट वी आर नॉट एबल टू। करेक्ट। सो आई मीन आई एम 26 राइट नाउ। आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ वेरी अर्ली एज। आई लॉस्ट माय फादर एक्चुअली व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड। ओके। सो बाय प्रोडक्ट ऑफ इट आई हैड टू स्टार्ट वर्किंग अर्ली। ऑलराइट। सो आई एम प्रैक्टिकली वर्किंग सिंस द फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज। सो बेसिकली देयर वाज सम डेट एंड ऑल व्हिच आई हैड टू क्लियर। Okay. And now it's a pretty chill scene. Like all debt has been cleared and everything. So basically 2 years back, I got that one relief in my life ki chalo ab apne hisab se sochna hai ki ab kar sakte kya hai. Kyunki pehle to sab sameta sameti chal rahi thi. Theek hai. Ye kar do, wo kar do, aisa kar do. But I mean, whenever I look back, maybe I think that I was fortunate enough to kind of have that kind of sources and skills. जो हो गया, लाइक फॉर एग्जाम्पल आफ्टर आई लॉस्ट माई फादर देर वॉज दिस वन डेट विच वॉज वेरी ह्यूज फॉर माई फैमिली, तो बट आई हैड दैट काइंड ऑफ सोर्सेज अराउंड मी। आई हैड वन प्रॉपर्टी जिसको आई रैन एज अ बुटीक होटल एंड आई यू नो टुक आउट द मनी ऑफ फ्रॉम इट एंड वो डेट वगैरह सब कम्प्लीट हुआ। तो मुझे हमेशा से लगता है कि मे बी इट वॉज नॉट समथिंग, मतलब क्रेडिट टू मी ऐसा नहीं है पूरा, मेरे पास इनफ रिसोर्सेज थे, मैंने कुछ बहुत ही बेसिक किया। तो लगता है आपको अभी लगता है कि मैं 26 की हो गई हूं लेकिन मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, जो किया प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज से किया, इज दैट सो? एब्सोल्युटली। ओके, नाउ नॉट अ प्रॉब्लम, हाउ मेनी किड्स एट योर एज और मे बी यंगस्टर्स एट योर एज आर एबल टू टेक और कोच पीपल और यंगस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स? आई लुक अप टू फ्यू ऑफ देम बट या नॉट अ लॉट ऑफ देम। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी एडवाइस लोग लेते हैं आगे चल के आके? Not so many, है ना? और कितने ऐसे लोग हैं जिनको एडवाइस लेके लोग इंप्लीमेंट करके उनके पास वापस से आते हैं? I to charge for them, so. हाँ, you charge for them, right? So how many of them are around you जो कि एडवाइस देने का चार्ज करते हैं? नहीं, no. Alright. So देखिए, बहुत सारे लोग चार्ज नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग एडवाइस नहीं दे पाते, बहुत सारे लोग एडवाइस देने का पैसा नहीं दे पाते, बहुत सारे लोग एडवाइस देना चाहते हैं तो एक बार एडवाइस देने के बाद दोबारा उनके पास लोग नहीं आते। इसका मतलब है there is some wisdom in you, am I right or wrong? Maybe. इसका मतलब है कि you have more maturity than other people, am I right or wrong? Yes. इसका मतलब है you have better confidence, better clarity about your life and the business than others, am I right or wrong? Right. And the person who is wise, the person who has more wisdom, the person who has got more clarity in life, should he believe in himself or not? Yes. And अगर आपके पास इतने प्रूफ हैं अवेलेबल जिसके कारण आपको खुद पे बिलीव करना चाहिए, उसके बाद भी आप अपने आप को बिलीव नहीं कर रहे, इसका मतलब आर यू सेन और आर यू इनसेन? Sometimes insane, obviously. Most of the time you are insane. Most of the time when you say I don't believe in myself, then I am insane. Now let me ask you this. If this insanity you continue, yehi insanity, yehi pagalpan aap continue karte ho, jahan pe ki aap keh rahe ho, I don't believe in myself, I don't trust myself, I don't know why people believe in me and all this, do you think it can become a blockage some or the other point of time? It does. Actually it does. Is already a blockage in your life some or the other time, right? And does it really make you excited? No, it rather makes How many lives do you touch every month? Kitni lives do you touch every month? 5, 10, 20, 30, 10 new lives. 10 नए लोगों को आप जिंदगी देते हो. Can you imagine yourself touching 10,000 lives every month? I want to. All right. With doubt. 10,000 lives. And you know what? आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज वेबिनार का जमाना है, एवरी मंथ इट इज पॉसिबल. आज यूट्यूब का जमाना है, एवरी मंथ इट इज पॉसिबल. Am I right or wrong? So should you put your energy in doubt or should you put your energy in the power? Power. Now let me ask you this one more question.
आपके पास पावर है, आपके पास जोश है, आपके पास जुनून है, आपके पास विजडम है, सब कुछ है. नाउ आपके पास मैं आता हूं और मैं कहता हूं प्रोजेक्टा मैं सबको कोच करता हूं, स्टेज से बहुत अच्छा अच्छा बात करता हूं, बट आई डोंट नो व्हाई पीपल ट्रस्ट मी. व्हाट वुड यू एडवाइज मी? जस्ट कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग राइट. दैट्स इट. नाउ कंटिन्यू. सेल्फ डाउट सभी के पास आता है, हर किसी के अंदर होता है. बस ये है, आगे से परिधि के पास मत जाओ कि मुझे डाउट है. परिधि के पास जाओ, यू वॉन्ट समथिंग फ्रॉम मी, लेट मी नो. ठीक है? क्योंकि देखिए हमेशा डाउट हमारी आदत है, ये हम भी करते हैं. मैं यहां खड़ा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि कभी स्टेज से डाउट ही नहीं आएगा मेरे अंदर, मेरे ऊपर. फ्यूचर के बारे में अनसर्टेनिटीज है, डाउट आएगा जब जब. कभी कभी लाइफ में फेलियर आते हैं, डाउट आएगा, बट एवरी टाइम यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, अगर मेरे पास मेरे जैसा ही कोई आता है तो व्हाट वुड आई एडवाइज हिम? मैं क्या बोलूंगा उसको? मैं जितने भी, कितने लोग ट्रेनर बनना चाहते हैं, रेज योर हैंड. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास एक स्टूडेंट आया, बोला कि सर मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है लेकिन डाउट बहुत है, क्या बोलोगे उसको? वो कहेगा सर मैं डरता बहुत हूं, क्या बोलोगे उसको? आप बोलोगे एक्शन ले. अगर वो कहता है डाउट बहुत है, वो आप बोलोगे इसको देख, इसको देख, इसको देख, इसको देख, इसको देख, डाउट को किल कर दे और सिर्फ एक्शन ले. अगर कोई इंसान आता है और कहता है सर मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, आप उसे क्या बोलोगे? आप उसे बोलोगे कि पैसा तो हमेशा एक्सक्यूज है, किसी के पास भी नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी जिसको आगे बढ़ना है वो अपनी पूरी शक्ति लगा देता है और आगे बढ़ जाता है. तो खुद की लाइफ में क्यों नहीं फॉलो कर रहे? ट्रेनिंग इज नॉट अबाउट चेंजिंग अदर्स, इट्स ओनली अबाउट चेंजिंग योरसेल्फ. खुद को चेंज करते रहो, खुद वही प्रैक्टिकल एडवाइस जो दूसरों को देने वाले हो खुद अप्लाई कर लो. आई एम श्योर आप अपने आप, आपके एक ऐसी ग्रेविटी आ जाएगी कि आपका नाम कब 10,000, कब 10 लाख और कब 10 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएगा आपको भी नहीं पता होगा. मैं कब 1 करोड़ लोगों तक पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला. बस एक ही चीज है, 10 सालों से जो दूसरों को बोल रहा हूं ना वो खुद छोटे छोटे, कुछ कुछ चीजें बीच में छूट जाती है फिर वापस से होती है. जैसे कि हेल्थ पे मैंने इतने साल कभी काम नहीं किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. करता था मैं, अपने आप को जस्ट मेंटेन कर लेता था कि अपना एक आइडियल आइडेंटिटी बनी हुई थी मेरी, क्योंकि वहां पे मेरी प्रायोरिटी पैसा कमाना थी, वहां पे मेरी प्रायोरिटी मेरे को सेटल करना थी, वहां पे मेरी प्रायोरिटी इस इंडस्ट्री में पैर जमाना थी. तो हेल्थ को बाजू में रख दिया. अब वो जम गए हैं. अब आप देखिएगा 6 महीने के अंदर यू विल फाइंड मी वन ऑफ द फिटेस्ट गाय ऑन द प्लैनेट प्रोबेबली. इतना काम करना शुरू कर दिया मैंने अपने ऊपर. सेल्फ डाउट इज गोइंग टू किल योर पोटेंशियल. यू हैव ह्यूज, आपको अगर 26 की एज में बिजनेसमैन सुन रहे हैं, बड़े बड़े पैसे वाले सुन रहे हैं, इसका मतलब है आपके अंदर बहुत पावर है और बहुत पोटेंशियल है. इस सेल्फ डाउट को यहाँ पे साइड में रख दीजिए, कभी जिंदगी में डाउट नहीं आएगा आपके पास, ये गारंटी है मेरी. थैंक यू. यस बेटा सवाल. सर एक्चुअली हमारी 32 लोगों की टीम है, हमारा मेडिकल कंसल्टेंसी का बिजनेस है. मैं लोगों के अंदर जील पैदा नहीं कर पा रही जी. मैं एक्चुअली लोग, हाँ ठीक है सैलरी तो मिल रही है ना, बहुत है, और उनके अंदर जब जील पैदा नहीं होती तो आपकी जील का क्या होता है? मेरी जील कम हो जाती है उन लोगों को देखकर. तो आपकी जील के कम होने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए उनकी जील बढ़ने की आदत नहीं पड़ी हुई है. राइट? आपकी जील उनके अंदर, आप ये समझ के बैठे हो कि मैं 3 बार बात करूं और आदमी की जील बढ़ जाए, मैं 3 बार इंदौर आऊं तो हर हॉल मेरा फुल होने लग जाए, ये जील नहीं. मैं तो आता रहूंगा और आप खुद देखोगे इसी इंदौर में 5,000 के प्रोग्राम, 10,000 के प्रोग्राम भी फ्यूचर में होंगे मेरे. राइट? जील मेरी कम नहीं होनी चाहिए किसी और की जील कम देख के. मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि मेरे को तो इतना कॉन्फिडेंस है. मैं 11 लाख रुपए का प्रोडक्ट आप में से किसी को 1-to-1 लेके 4 लोगों को बैठूंगा तो 1 को बेच दूंगा मैं. ये मेरे अंदर की स्किल है, ये कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर का, और आप में से कई लोग लेंगे वो. तो ये जील होनी चाहिए खुद के अंदर और ये कम नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, हर हाल हर काल में आपकी जील ऊपर होनी चाहिए. आदमी ने आज अगर किसी ने मेरे कहने पे मोटिवेशन नहीं दिखाया तो मेरे अंदर का आतंकवादी जाग जाना चाहिए, साला ये कैसे नहीं हुआ मोटिवेट, इसको तो अब तो करना ही है. ऑलराइट? अंदर का मेरा शेर जो है ना वो दहाड़ने लग जाना चाहिए. अच्छा मेरे कारण ये आदमी कन्वर्ट नहीं हो रहा. आप में से ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको अगर मैं 1-to-1 सेल करूं और आप मुझे पैसा ना दो, गारंटी देता हूं. बट मेरे पास समय नहीं है 1-to-1 किसी से बात करने का. ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे मैं पैसा नहीं निकलवा सकूं, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप 10 साल के हो, चाहे आप 50 साल के हो, चाहे आप 80 साल के हो. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना जो मेरे को पैसा ना दे, क्योंकि मेरे अंदर जील है. अगर वो आज मुझे मना करेगा, मेरे अंदर का खूंखार शेर जाग जाएगा, बोलेगा अगली बार इससे फिर मिलना है. फिर अगर वो मना करेगा, अगली बार फिर मिलना है, कोई बात नहीं, मैं 1 साल पेशेंस रखूंगा, लेकिन मैं हर आदमी से पैसा निकलवा के दिखाऊंगा, हर आदमी से पैसा निकलवा. अपनी जील कम नहीं होनी चाहिए बेटा.
ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे मैं पैसा नहीं निकलवा सकूं, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप 10 साल के हो, चाहे आप 50 साल के हो, चाहे आप 80 साल के हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना जो मेरे को पैसा ना दे, क्योंकि मेरे अंदर जील है। अगर वो आज मुझे मना करेगा, मेरे अंदर का खूंखार शेर जाग जाएगा, बोलेगा अगली बार इससे फिर मिलना है, फिर अगर वो मना करेगा अगली बार फिर मिलना है, कोई बात नहीं, मैं एक साल पेशेंस रखूंगा, लेकिन मैं हर आदमी से पैसा निकलवा के दिखाऊंगा, हर आदमी से पैसा निकलवा। अपनी जील कम नहीं होनी चाहिए बेटा। मेरी टीम मोटिवेटेड नहीं होगी कई बार मुझसे, कई बार उनको लगेगा भूपेंद्र जो बोल रहा है वो अनरियलिस्टिक है, मैं करके बताऊंगा, बोलूंगा करके देखते हैं कैसे नहीं होता ये, फिर वो कहेंगे सर हाँ हुआ तो सही, फिर मैं करके बताऊंगा। बार बार जितनी बार वो, और ये याद रखना, अगर वो लोगों में मेरी वाली जील जिस दिन आ जाएगी वो मेरे साथ काम नहीं करेंगे शायद। सो मुझे तो तब तक पेशेंस रखना है जब तक सबके अंदर वो जील ना आ जाए, सबके अंदर। और हमें हमेशा, और दो ही काम होंगे, जिस दिन उनके अंदर सभी के अंदर वो जील आ गई उस दिन वो कहेंगे सर पार्टनरशिप करते हो तो बात करो, अदरवाइज हम बात नहीं करेंगे। तो पार्टनर बनना है ना, एम्प्लॉय नहीं बनना है सन हुसैन भाई, पार्टनर बनना है। तो ये जील को, भूख को ऐसी बढ़ा दो कि एक आदमी से भी मिलो ना तो मजा आ जाए। देखिए दोस्तों समझिए, टीम को सैलरी मिल रही है, टीम कंफर्टेबल है, इसका मतलब है आप उतने इफेक्टिव नहीं हो। तो डोंट वरी, उनका डीमोटिवेशन आपकी जील को बढ़ाना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो। थैंक यू सो मच, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज़।